नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल हमारा बिहार में। आज 13 अगस्त 2019 है और 13 अगस्त 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और सेट प्रैक्टिस करना ना भूलें। अभी तक मैंने 10 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके आप बिहार GK का वन लाइनर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स जो बिहार से जुड़े हुए हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को न्यूजीलैंड के वित्त मंत्री का विश्लेषक बनाया गया है? तो उस व्यक्ति का नाम है शेफालिका, ठीक है, जिसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप फोटो भी देख सकते हैं, यही है शेफालिका। विश्व स्तरीय चयन प्रक्रिया के बाद उनका चयन हुआ है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की है। मुजफ्फरपुर जिला की ये रहने वाली हैं। अब नाम है मुजफ्फरपुर का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं मुजफ्फरपुर कहाँ पे है। ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा आपका मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है? तो देखिए, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है, समस्तीपुर और वैशाली है। और शिवहर जो है, शिवहर का सीमा एक्चुअल में मुजफ्फरपुर जिला से नहीं सटता है। और इधर सारण और मुजफ्फरपुर जो देख रहे हैं, इसके बीच में गंडक नदी है जो कि नेपाल के तरफ से पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है बिहार में, ठीक है। चलिए इसको बिहार के भौगोलिक मैप में देखते हैं। ये आ गया बिहार का भौगोलिक मैप, ठीक है, और ये है आपका मुजफ्फरपुर और ये है आपका सारण जिला। और इस दोनों के बीच में देख रहे हैं ये जो नदी बह रही है ये गंडक नदी है, ठीक है। और गंडक नदी देखिए बिहार में नेपाल के तरफ से आके पश्चिम चंपारण में प्रवेश कर रही है, ठीक है। अब ये मुजफ्फरपुर है और देखिए यहाँ पे शिवहर है, तो देखिए इस दोनों जिला का एक्चुअल में दोनों जिला नहीं सट रहा है आपस में। अब नाम आया मुजफ्फरपुर का, तो चलिए मुजफ्फरपुर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। मुजफ्फरपुर जो है ये तिरहुत प्रमंडल में आता है, मुख्यालय इसका मुजफ्फरपुर है। स्थापना 1875 में हुआ है, क्षेत्रफल हो गया 3172 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या हो गया 48,01,062 व्यक्ति और जनसंख्या घनत्व है 1514 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर हो गया 63.43% और लिंगानुपात हो गया 900 महिला प्रति 1000 पुरुष। प्रमुख नदी बूढ़ी गंडक बागमती है। प्रमुख फसल धान, गेहूं, मक्का, लीची और आम। उद्योग में हो गया चीनी मिल, दवा उद्योग, गैस रिफिलिंग प्लांट। बिहार का आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर को बोला जाता है। और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भारत में GI टैग मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर में 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी जो कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने 1908 में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे बम फेंका था। और किंग्सफोर्ड जो थे उस समय मुजफ्फरपुर कोर्ट के जज थे और उन्हीं के गाड़ी पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने बम फेंका था, ठीक है, जिस कारण खुदीराम बोस को फांसी हुई थी और प्रफुल्ल चक्की अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिए थे। 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था लोटा विद्रोह। दोस्तों, उस समय हुआ था ये कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उससे पहले वहाँ मुजफ्फरपुर जेल में जितने भी कैदी थे उनको पीतल का लोटा दिया जाता था पानी पीने के लिए, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनसे पीतल का लोटा वापस लिया, उसके जगह पे उन लोगों को मिट्टी का लोटा दिया गया, मिट्टी का बर्तन दिया गया पानी पीने के लिए। इसी कारण वहाँ के मुजफ्फरपुर जेल के जितने भी कैदी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह का नाम हुआ लोटा विद्रोह, जो कि 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। तो 1856 मुजफ्फरपुर जेल लोटा विद्रोह याद रखिएगा। 1866 से 1886 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र था चंपारण और मुजफ्फरपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6वें राजकीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, सारण जिला प्रथम स्थान पर आया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और पटना का स्थान तीसरा रहा, ठीक है। अब नाम आया सारण जिला का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं सारण जिला कहाँ पर है। ये आ गया बिहार का मैप, देखिए मुजफ्फरपुर के जस्ट बगल में है सारण जिला, ठीक है। सारण जिला का सीमा किस किस जिला से सट रहा है? तो देखिए गोपालगंज और सिवान से सट रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये मुजफ्फरपुर सारण जो है इसके बीच में मैंने बता चुका हूँ कि ये गंडक नदी बहती है। और नीचे जो देख रहे हैं पटना और ये
पटना और सारण या भोजपुर या सारण इसके बीच में गंगा नदी बहती है, ठीक है। चलिए इसको बिहार के भौगोलिक मैप में देखते हैं। देखिए ये रहा आपका सारण जिला और सारण मुजफ्फरपुर के बीच में, देखिए ये बह रही है गंडक नदी, ठीक है। और उसके बाद सारण और पटना के बीच में जो ये नदी बह रही है गंगा नदी है, और एक और नदी सारण के पास आके मिलती है जो कि सिवान के रास्ते से आती है, और ये नदी जो मिल रही है ये घाघरा नदी है, ठीक है। तो सिवान कुल तीन नदी को टच कर रहा है, गंडक, गंगा और घाघरा, ठीक है। अब नाम आया है सिवान का, तो चलिए सिवान के बारे में, सॉरी अब नाम आया है सारण जिला का, तो चलिए सारण जिला के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। सारण जिला जो है सारण प्रमंडल में आता है। मुख्यालय इसका छपरा हो गया, क्षेत्रफल हो गया 2641 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता हो गया 65.96%, जनसंख्या घनत्व हो गया 1496 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात हो गया 954 महिला प्रति 1000 पुरुष, प्रमुख फसल धान गेहूँ गन्ना है, और प्रमुख नदी गंगा घाघरा और गंडक है। चिरांद जो कि छपरा को बोला जाता है, और चेचर जो वैशाली को कहा जाता है। तो चिरांद और चेचर के उत्खनन में नवपाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, और डीजल रेल इंजन कारखाना सारण के मढ़ौरा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जिला के हरपुर बोचहा पंचायत 1,25,000 पौधे लगाकर राष्ट्रीय ग्रीन पंचायत बना है। तो हरपुर बोचहा पंचायत जो है ये समस्तीपुर जिला का है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मनरेगा के तहत हरियाली फैलाने में इस पंचायत को देश में चौथा स्थान मिला है। अब नाम आया समस्तीपुर का, तो चलिए समस्तीपुर देखते हैं बिहार के मैप में कहाँ पे है, ठीक है। ये आ गया बिहार का मैप, और ये देखिए मुजफ्फरपुर के इस साइड में समस्तीपुर। समस्तीपुर का सीमा किस किस जिला से सट रहा है, तो देखिए वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, सहरसा है, खगड़िया है और बेगूसराय है। और समस्तीपुर और पटना के बीच में गंगा नदी बहती है, ठीक है। अब नाम आया समस्तीपुर का, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। समस्तीपुर का जनसंख्या हो गया 42,61,566 व्यक्ति, क्षेत्रफल हो गया 2,904 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी क्षेत्रफल हो गया 2,904 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता हो गया 61.86%, जनसंख्या घनत्व हो गया 1,476 व्यक्ति, लिंगानुपात हो गया 911 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और प्रमुख नदी बूढ़ी गंडक कोसी बलान है, प्रमुख उद्योग चीनी, जूट और कागज उद्योग है, और शहरीकरण में सबसे कम वृद्धि वाला जिला समस्तीपुर है, यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र समस्तीपुर जिला में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने पंचायत में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, तो 8,432 पंचायत में बनाए जाएंगे, ए ऑप्शन सही हो गया। और मॉडल स्कूल पर 436 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, और स्किल डेवलपमेंट से लेकर कंप्यूटर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी मॉडल स्कूल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस संस्थान से छात्र पौधों को गोद लेंगे, तो आईआईटी पटना के छात्र पौधों को गोद लेंगे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आईआईटी पटना में राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों ने पौधारोपण अभियान चलाया, और आईआईटी के सभी छात्र एक एक पौधे लगाएंगे और उन्हें 4 साल तक संरक्षित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार शहरी ग्रीन बेल्ट के लिए 1 एकड़ में कितना पेड़ होना चाहिए, तो 600 पेड़ होना चाहिए 1 एकड़ में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत किस जिला के लिए 3.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, तो खगड़िया, भोजपुर और शिवहर ये तीनों जिला के लिए जारी किया गया है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने मौसम और मिट्टी की उत्पादकता को देखते हुए कितने जिले में खास फसल की खेती की योजना को मंजूरी दिया है, तो ये 23 जिला में मंजूरी दिया गया है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसके तहत रोहतास में टमाटर, समस्तीपुर अररिया में हरी मिर्च, पूर्वी चंपारण में लहसुन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, शेखपुरा और बक्सर में प्याज, नालंदा में आलू, वैशाली में मधु, और भागलपुर, दरभंगा, पटना में आम की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का फोकस किसान की आमदनी को बढ़ाना है, और कृषि विभाग ने इसके लिए 5 साल के लिए बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद कार्यक्रम बनाया है, और वर्ष 2019-20 से 23-24 के बीच सरकार इस योजना पर 16,67,00,000 रुपया खर्च करेगी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस संस्था की मदद से
तैयार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोर्ट के फैसले को विभिन्न भाषाओं में देखा जा सकेगा। तो ये आईआईटी पटना के मदद से हुआ है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सीडैक पुणे और आईआईटी पटना के द्वारा डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर। ये आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर पुष्पक प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अहम भूमिका है इसमें, ठीक है। और 24 भाषाओं में लिखे दस्तावेज का एक क्लिक में हो सकेगा अनुवाद। 1500 साल पुराने दस्तावेजों का भी अनुवाद हो सकेगा इससे। और भोजपुरी तथा मैथिली भाषा को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के कितने जिलों में गंगा का पानी पहुँचाकर सिंचाई व्यवस्था की जाएगी? तो 4 जिले में, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। कौन कौन सा जिला है? नालंदा, नवादा, जहानाबाद और गया। चलो, तो ये तो था आज का करेंट अफेयर, चलते हैं कल के रिवीजन के तरफ। तो कल का रिवीजन का पहला क्वेश्चन था, बिहार के किस विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता सेल बना है? तो पूर्णिया विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, वर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण में कितना अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है? तो 50% का अनुदान दिया जा रहा है, बी ऑप्शन सही हो गया। आज का रिवीजन का क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि विज्ञान केंद्र को देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र घोषित किया गया है? और दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के किस विज्ञान केंद्र को 2018 का पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन राष्ट्रीय पुरस्कार जोन 4 प्रदान किया गया है? इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।